नमस्कार। भारत सरकार का कल एक बहुत बड़ा फैसला सुनने को मिला कि टिकटॉक सहित 58 ऐप्स को इंडिया ने बैन कर दिया है। मैं इस फैसले की पूर्णतः सराहना करती हूं और ये बहुत ही उमदा फैसला है। साथ ही साथ जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं उनको मैं समझाना चाहती हूं कि हम चाइना की ऐप यूज करते हैं, उनको फंड जाता है, उनको पैसा जाता है और उसी पैसे का मिसयूज वो हमारे ऊपर करते हैं, तो ये गलत बात है। आपको सरकार का साथ देना चाहिए, इस फैसले की सराहना करनी चाहिए और जितने भी फौजी भाई हमारे लद्दाख की सीमा पर खड़े हैं उनको तहे दिल से हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करती हूँ और यही कहती हूँ, जय हिंद जय भारत। सो एज वी ऑल नो आवर गवर्नमेंट हैज बैंड टिकटॉक एंड अदर चाइनीज एप्लीकेशंस एंड आई जस्ट लाइक टू से दैट आई टोटली सपोर्ट दिस बैन एंड आई विल बॉयकॉट इट। आई सपोर्ट इट एंड माई होल फैमिली सपोर्ट्स इट एंड आई थिंक एवरी सिटीजन शुड सपोर्ट दिस बैन विदाउट एनी डाउट्स बिकॉज देर इज नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन आर कंट्री, आर पीपल, आर सोल्जर्स, आर मिलिट्री। इनफैक्ट आगे भी जो भी गाइडलाइंस, रूल्स और रेगुलेशंस आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से उनको भी इसी तरह से सपोर्ट किया जाएगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बहुत बार मैंने आपसे बहुत अलग अलग टॉपिक के बारे में बात की है लेकिन इस बार मैं आपसे स्पेशली बात करना चाहूंगी हम सबके बारे में। ये जो पिछले एक महीने से इतना तनाव चल रहा है, मेंटली डेफिनेटली वी आर डिस्टर्ब, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है, एक्टिविटी हो रही है जिस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे, जो हमें सुनने में जरूर आती है लेकिन हमने कभी अटेंशन नहीं दिया है उसे। आज क्यों हमारी गवर्नमेंट को चाइनीज लिंक ऐप सब कुछ बैन करना पड़ रहा है, ब्लॉक करना पड़ रहा है? देयर मस्ट बी सम रीजन। पिछले एक महीने से हम बहुत सारी ऐसे न्यूज़ सुन रहे हैं विच इज़ एक्चुअली नॉट हेल्दी, बट हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी में बिजी हैं जिनसे हम बाद में भी निपट सकते हैं, या ऐसे कहें कि आपका ध्यान ही नहीं गया। भाई साहब, रियल हीरोज हैं जो हमारी सेवा में लगे हैं और रिटर्न में उन्हें बहुत कम फायदा मिलता है, यहाँ तक कि तो इज्जत भी नहीं मिलती। तो क्यों ना हम इस बार ये दिखाएं कि हम साथ रहकर और भी मजबूत हैं। प्लीज सपोर्ट आवर आर्मी, सपोर्ट आवर नेशन। काटने की कोशिश करें या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करें तो किस तरह का कष्ट होगा आपको? वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लद्दाख पर अपनी लालची नजरें गड़ा के, और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विधवाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिए हुए बलिदान को? क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओं का जो सरहदों पर जो युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओं का होता है, वो सिर्फ सरकार का होता है? क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है? क्या हम भूल गए वो वक्त जब महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़नी है भारत में तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का बहिष्कार करना पड़ेगा? तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद्ध में हिस्सा लें, क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत की अस्मिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत की हथेली है। हम उसे किसी तरह से इस दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते। तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबका बहिष्कार करें ताकि वो उस संपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं? तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए, ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे। जय हिंद।